बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, नर्मदा मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय। कल की पावन कथा में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े आनंद के साथ यहां पर मनाया गया। कल संपूर्ण पंडाल में एक ही स्वर गूंज रहा था, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीन्हे घोड़ा दीन्हे और दीन्हे पाल की। नंदोत्सव मनाया जा रहा था, श्री वसुदेव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण को प्रभु की आज्ञानुसार आदेशानुसार और प्रभु की माया के सहयोग से प्रभु को गोकुल में यशोदा मैया के यहां छोड़ आए। यशोदा मैया ने एक बेटी को जन्म दिया, कन्या को। वसुदेव जी महाराज कन्या को लेकर के आए। कन्या के आते ही माया का प्रभाव समाप्त हुआ। उस कन्या ने बड़ी जोर जोर से रुदन करना, रोना प्रारंभ किया। और जब रोना प्रारंभ किया, कंस को खबर पहुंचाई गई कि देवकी ने आठवीं गर्भ को, आठवीं संतान को जन्म दे दिया है। देवकी ने आठवीं संतान को जन्म दे दिया है, खबर पहुंची। जिस स्थिति में था कंस, भागा भागा आया। कंस को देख करके देवकी खड़ी हुई और कहती है कि भैया, ये छोटी सी नवजात कन्या आपको नहीं मारेगी। आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी के आठवें गर्भ से जन्म लेने वाला पुत्र, लेकिन ये तो बेटी है, ये तो कन्या है, ये आपको नहीं मारेगी, आप इसे छोड़ दें। पर कंस कहता है कि कन्या है तो क्या हुआ, विष्णु छलिया है और मुझे मारने के लिए कन्या के रूप में भी आ सकता है। और देवकी के हाथों से कन्या को छीना, छीन करके पत्थर पर फेंका, पर वह कन्या पत्थर पर नहीं गिरी, आकाश में उड़ करके सिंह पर सवार हुई, अष्टभुजा फैलाए और कंस से कहा कि मूर्ख, तुझे मारने वाला हो चुका है। ऐसा कहकर के वह कन्या अंतर्धान हो गई और फिर आकाश मार्ग में बाजे बजते हैं, दुंदुबियां बजती हैं, देवता पुष्प वृष्टि करते हैं, प्रभु की स्तुति गाते हैं, सिद्ध चारण गंधर्व नाग किन्नर अप्सराएं इत्यादि आकाश मार्ग में खड़े होकर के स्तुति का मंगल गान कर रहे हैं। और यहां नंद भवन में जब पता चला कि मैया यशोदा ने एक बेटे को जन्म दिया है,
नंद यशोदा के यहां बड़े भाग्य से वृद्धावस्था में एक पुत्र हुआ है। तो सारे गोकुल में, सारे गोकुल में नंदोत्सव मनाया गया। मैया यशोदा को गोपिकाएं बधाई देने पहुंची हैं, गोपिकाएं पहुंची हैं, ग्वाले पहुंचे हैं, ब्रजवासी आए हैं, बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो। बड़ा आनंद उत्सव मनाया जा रहा है नंदगांव में। गोपियां दर्शन करने के लिए आ रही हैं मैया के लाला का। गोपियां चली आ रही हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक। सभी गोपियों ने सुना है कि मैया यशोदा के यहां एक लाला हुआ है जो बहुत सुंदर है। गोपियां, ग्वाले, ब्रजवासी, गोपांगनाएं, ब्रजांगनाएं सब आ रही हैं आनंदित हो करके। खूब उत्साह गोपियों में दिखाई दे रहा है। नंद भवन में कृष्ण जन्मोत्सव की धूम मची हुई है। बड़ा पावन उत्सव मनाया जा रहा है। गोपियां आती हैं, भगवान को झूला देती हैं, लाला पालने में लेटे हैं तो गोपियां झूला दे दे करके जा रही हैं। तो मैया कहती है गोपियों से, गोपियां झूला देती हैं तो मैया गोपियों से कहती हैं कि लाला अभी बहुत छोटा है, तुम इतने जोर जोर से झूला मत झुलाओ, कल ही तो हुआ है और तुम इतने जोर जोर से झूला दे दे करके जा रही हो। देखिए मेरा माताओं से निवेदन है, आप आ रही हैं तो आगे ना आए, पीछे ही आप बैठे, और आपको जो भी समर्पित करना है वो आरती के समय आप समर्पित करें, यहाँ आगे आप ना आए। आप आए और पीछे ही आके बस बैठते जाएं, आगे आने का प्रयास ना करें। गोपियां मैया यशोदा से कहती हैं, कि मैया हमने तो सुना है आपका लाला बहुत सुंदर है, हमारा मन नहीं माना इसलिए हम देखने को चले आए हैं। तो मैया बोली, तुम लाला को बहुत देखो, जी भर के निहारो, तुम्हारा ही लाला है, लेकिन झूला धीरे धीरे दो, बहुत छोटा है, और मानो गोपियां झूला देती हैं।